गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्य चतुर्वेदी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 बुक इंडियन सोसाइटी का, सोशल इंस्टीट्यूशन कॉन्टीन्यूटी एंड चेंज। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा डेमोग्राफिक स्टडी सोसाइटी की। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सोसाइटी में पीपल्स को कैसे डिफाइन किया गया है, कौन से ग्रुप में उनको डाल के किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस यानी सोशल ग्रुप्स को कास्ट के थ्रू डिवाइड किया गया है। कास्ट, ये वर्ड आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा अपनी लाइफ में। आइए आज इसको समझ भी लेते हैं। कास्ट एक पुर्तगीज वर्ड है कास्टा, जिसका मतलब होता है ब्रीड से बना हुआ है। कास्ट के दो डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं, वर्ना एंड जाति। वर्ना के अंदर ये चार फोर फोल्ड्स ऑफ डिवीज़न आते हैं, जिनको इसी हायरार्कियल ऑर्डर में लिखा जाता है। सबसे ऊपर रहता है ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। अनटचेबल्स और दलित इनमें इंक्लूड नहीं होते हैं। और जाति, जाति इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विथ वंस ऑक्यूपेशन। और हमारे यहाँ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सब कास्ट पाई जाती हैं। जाति इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विथ ऑक्यूपेशन। जाति को हम ऑक्यूपेशन से एसोसिएट करके कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो लोहार जाति का है, सुनार जाति का, मछुआरा जाति, एट्सेट्रा। कास्ट एक ब्रॉड टर्म है। कास्ट के अंदर आता है वर्णा एंड जाति। वर्णा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आते हैं। और जाति, जाति को ऑक्यूपेशन से लिंक करके कहा जाता है। इसमें सब कास्ट को इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लोहार, सुनार, मछुआरा, एट्सेट्रा। आगे देखिए, कास्ट को एक अनइक्वल इंस्टीट्यूशन कहा गया है। कास्ट इज एन अनइक्वल इंस्टीट्यूशन। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि हम कौन सी कास्ट में पैदा हो रहे हैं, ये हम खुद डिसाइड नहीं कर सकते। इसमें हमारा कोई रोल ऑफ चॉइस नहीं होता है। हम हायरार्की के टॉप यानी ब्राह्मण में पैदा होंगे या एकदम बिलो शूद्र में पैदा होंगे, वो हमारी चॉइस नहीं होती है। इसी वजह से कास्ट को अनइक्वल इंस्टीट्यूशन कहा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। एस्क्राइब्ड स्टेटस एंड अचीव्ड स्टेटस, ये नाम आप पढ़िए, डॉक्टर पवन पांडे। इसको पढ़ के आपको समझ आ जाएगा वर्ड एस्क्राइब्ड और अचीव्ड स्टेटस में। अचीव्ड स्टेटस यहाँ पे आपका हो जाएगा डॉक्टर, जो कि आपने अपनी लाइफ टाइम में अचीव किया है। और एस्क्राइब्ड, एस्क्राइब्ड मतलब जो आपको बाय बर्थ मिला हुआ है, जिसको आप अचीव नहीं किए हैं। डॉक्टर, ये आपका चॉइस था, इसको आपने अचीव किया है, पढ़े लिखे और डॉक्टर की डिग्री अचीव कर ली है। पर पांडे, पांडे आपको बाय बर्थ मिला हुआ है, आपकी फैमिली से मिला है ये आपको। आइए आगे बढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम को पढ़ते हैं। तो कास्ट सिस्टम इज़ डिटरमाइंड बाय बर्थ। जैसा कि हमने देखा, कास्ट आपका वहाँ पांडे था, तो आपको बाय बर्थ मिला हुआ है। एंडोगैमी एक मैरिज सिस्टम है। ये बताता है कि कास्ट सिस्टम के अंदर मैरिज के रूल्स रेगुलेशंस कितने रिजिड होते हैं, उनको तोड़ने पे ऑनर किलिंग तक कर दी जाती है। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ फूड शेयरिंग। कास्ट सिस्टम के अंदर आप किसके साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, किसके साथ आपको नहीं खाना है, किसी कास्ट में होने की वजह से आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में ये बताया गया है कि हमारे यहाँ कास्ट के फोर फोल्ड डिवीज़न हैं और उन फोर फोल्ड डिवीज़न के भी सब डिवीज़न पाए जाते हैं, और उन सब डिवीज़न के भी सब डिवीज़न होते हैं, और उनके भी सब सब डिवीज़न होते हैं। इसी को कहा जाता है सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट है कास्ट लिंक विथ ऑक्यूपेशन। कास्ट हमारे यहाँ ऑक्यूपेशन से लिंक है। हमने पढ़ा, ब्राह्मण जो होगा उसका काम होगा टीचिंग देना, क्षत्रिय जो होगा उसका काम होगा वॉरियर का, वैश्य का काम होगा बिजनेस एंड ट्रेडिंग का, एंड शूद्र का काम होगा बाकी चारों को सर्व करने का और साफ सफाई का। आइए आगे बढ़ते हैं, होलिज्म एंड हायरार्की। होलिज्म कहता है कि किसी भी कास्ट का बिना होल सोसाइटी के कोई स्टैंड नहीं है। अगर इसको और सिंपल करते हैं तो होल मतलब होता है पूरा। तो जब पूरी सोसाइटी के मेंबर किसी कास्ट को अडॉप्ट करेंगे, तभी वो कास्ट एग्जिस्ट कर पाएगा। बस किसी एक के अडॉप्ट कर लेने से वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नेक्स्ट इज हायरार्की। हायरार्की मतलब डिफाइंड ऑर्डर में कास्ट सिस्टम का होना। ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, और सबकी डिफाइंड जॉब भी है, उनको क्या करना है क्या नहीं वो भी डिफाइंड है। यही सब सेम चीज़ आपके स्क्रीन पे दिख रही हुई डिफिनेशंस में भी लिखी है। ये पीडीएफ आपको नीचे दी हुई लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक और लिंक मिलेगी जिसमें हमने आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट एमसीक्यू अरेंज किया हुआ है। आप जाके दे सकते हैं उस लिंक पर टैप करके, और अपना स्कोर हमें ज़रूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का।
प्योरिटी और पॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी इगैलिटेरियन सोसाइटी को सपोर्ट नहीं करता है। इगैलिटेरियन मतलब इक्वल सोसाइटी को सपोर्ट नहीं करता है। प्योरिटी और पॉल्यूशन नाम से ही पता चल रहा है कि सोसाइटी में कुछ लोगों को प्योर माना जा रहा है और कुछ लोगों को पॉल्यूटेड माना जा रहा है। तो जो हमारे यहाँ फोर फोल्ड डिवीज़न की हायरार्की है, उसमें जो टॉप ऑर्डर पे हैं उनको प्योर माना जाता है और जो बॉटम में आते हैं उनको पॉल्यूटेड माना जाता है। यही कहता है हमारा प्योरिटी और पॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आज हम लोग अपने YouTube स्टूडियो के स्टैटिक्स देख रहे थे, तो उसमें हमने आप देखा में से 90% लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो। सर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ यहाँ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है या हमारे चैनल से कुछ मदद मिली है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।